हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलसीम फूड लैब। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम सिंपल खिचड़ी। सिंपल खिचड़ी इसके लिए बना रहे क्योंकि जल्दी में अगर किसी को खाना है तो ये बना सकता है। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले घी। घी ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच घी, साथ में थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं गर्म हो रहा है। इसके साथ में हम बताएंगे आपको इंग्रेडिएंट्स, साथ में इसके लगेंगे थोड़ा सा पुदीना और कोथमीर ले लीजिए, साथ में एक छोटा कांदा जिसको बोलते हैं प्याज, 5 से 6 जो है हरी मिर्ची ले लीजिए। इसके साथ ही साथ में आलू और गाजर, एक गाजर ले लीजिए और जो है एक जो है आलू बारीक कटा हुआ ये ले लीजिए। साथ में हम जो है खड़े जो गरम खड़े मसाले जो है वो ले लीजिए, ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, इलायची है और लौंग है, ये ले लीजिए। साथ में हम लेंगे खिचड़ी के लिए चावल, 2 कटोरी जो है चावल ले लीजिए और 1 कटोरी जो है वो दाल ले लीजिए, मूंग दाल। ठीक है, अब जो है सबसे पहले तेल गरम हो गया, साथ में जो है खड़ा मसाला जो है हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसके साथ में हम जो है प्याज डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट चला लेंगे। साथ ही साथ में हरी मिर्च जो है वो भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से चलाना है। हम जो है पुदीना भी ऐड कर देंगे उसमें और लगभग 1.5 से 2 मिनट जो है इसको अच्छे से चला देना ताकि ये पकड़े नहीं। प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए जब तक चला लीजिए। अब जो है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर लेंगे और सबको अच्छी तरह हमको मिला देना है। अब लगभग 1 मिनट के बाद में हम मिला देंगे इसमें आलू और हमारे गाजर, इसको भी अच्छे से मिला लेना है और थोड़ी देर और चलाना है। आँच जो है थोड़ी सी फ्लेम तेज रखेंगे हम। अब जो हम इसमें मिलाएंगे 2 छोटे कटे हुए टमाटर, 2 छोटे बारीक कटे हुए टमाटर इसमें मिला लेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके थोड़ी देर के बाद हम मिलाएंगे इसमें गरम मसाला और 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी पाउडर। यह है हमारा गरम मसाला। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक 1/2 चम्मच लगभग, एज पर टेस्ट आपको अगर नमक थोड़ा तेज़ है तो थोड़ा और मिला सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी जिससे कि हमारी जो है सब्ज़ी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, अच्छे से पक जाए। अब इसको हम धीमी आंच करके इसको रख देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो हल्के गल गए हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो चावल ऐड करेंगे, ये हमने भिगो के रख दिया था लगभग 10 मिनट पहले ही, ज़्यादा टाइम पहले नहीं भिगाना है। और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको धीमी आंच पे रख देंगे। चावल हमने डाल दिया, इसके बाद में आप जो है इसके अंदर 2 कप पानी डाल सकते हैं, 2 कप पानी डालिए ताकि चावल हो जाए। अगर आपको खिचड़ी थोड़ी सी गीली पसंद है तो उसके लिए आप 3 कप पानी डालिए और इसको ढक के अच्छे से पकने के लिए दीजिए लगभग 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। ये जो फ्लेम इसका जो रहेगा वो तेज़ आँच पर रहेगा। अब हम 5 मिनट के बाद देखेंगे क्या हाल है हमारी खिचड़ी का। ये देखिए खिचड़ी जो है हल्की जो है पक रही है, थोड़ा चलाने के बाद हम इसको वापस से 5 मिनट के लिए धीमी आंच करके इसको दम पे रख देंगे। अब जो है सिर्फ इसको हमें धीमा करना है, 5 मिनट के बाद में हम देखेंगे स्लो दम पे रखने के बाद में हमारी क्या हालत है। ये हमारी जो है खिचड़ी लगभग रेडी है। अब जो इसको हम प्लेट में निकाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो है जो मूंग दाल जो खिचड़ी है वो खाने के लिए तैयार है। डिलीशियस, एकदम भाप निकलती हुई, बेहतरीन जो है महक आती हुई। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। लगभग जो है 20 से 25 मिनट आप इसको बना सकते हैं। और ये फटाफट खिचड़ी भी कही जाती है। आलू डालिए। और दोस्तों, अगर आपको ये जो है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये अलसिम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।